ईट एनी टाइम में मैं राजश्री आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाना सीखेंगे मुंह में घुल जाने वाला मलाई पनीर कोफ्ता करी, जो कि बहुत सिंपल डिश है। आप बनाएंगे ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ प्याज कटे हुए, 2 टमाटर, 3-4 लहसुन, अदरक, थोड़े ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा खड़े गरम मसाले, 2 छोटी चम्मच खसखस। अब पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम कीजिए, करीब 3 टीस्पून। उसमें जीरा डालिए, फिर खड़े गरम मसाले डालिए, प्याज, और उसको थोड़ा चलाइए। फिर उसमें जिंजर, गार्लिक, सब खड़े ही डालने हैं, और ड्राई फ्रूट्स ये सब डाल के, टमाटो डाल के चलाइए। अब इसे कुक होने दीजिए। अब हम 2-3 ब्रेड का ब्रेड क्रम्स बना लेंगे मिक्सर में। अब इसको अलग से, ये ब्रेड क्रम्स को रख लीजिए। ये देखिए, अब प्याज टमाटर भी ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, तो गैस बंद कर दीजिए। अब अलग से हम 150 ग्राम ग्रेटेड पनीर, 2 बॉयल्ड ग्रेटेड पोटैटोस और ये ब्रेड क्रम्स, ये तीनों ले लिए। अब हम पनीर को करीब, और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, किशमिश लीजिए, स्पेशली मुझे किशमिश बहुत पसंद है, बीच में आती है। अब एक बोल में पोटैटो सारे डाल लीजिए, पनीर आधा से थोड़ा ज़्यादा मिला लीजिए, बाकी रख दीजिए, मैं बाद में बताऊँगी कि इसको क्या करना है। तो ये आधा से ज़्यादा हमने पनीर इसमें ले लिया, इसको रख दीजिए। अब ब्रेड क्रम्स भी डाल लीजिए, जितना ज़रूरत है, जितना बाइंडिंग के लिए लगेगा उतना डाल लिया। अब इसमें हम थोड़ा सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना आपको चाहिए, ज़्यादा नहीं क्योंकि ग्रेवी में भी डलेगा। थोड़ा ब्लैक पेपर क्रश्ड मिक्स कर लीजिए। अब इन सबको मिक्स करके साइड में रख दीजिए। अब ये जो पनीर है, इसमें से थोड़ा पनीर हम अलग रख देंगे, लास्ट में ये ग्रेवी में डालने के काम आएगा। और ये जितना पनीर बचेगा बोल में, उसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जो कटे हुए हैं, वो डाल देंगे, थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के, कम क्योंकि कई जगह हम डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा सा कम, ज़रा सा ब्लैक पेपर, करीब 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और ये फ्रेश क्रीम व्हिप्ड चला के थोड़ा सा इसको डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये हमारे अंदर स्टफिंग में काम आएगा। अब ये जो मिक्सचर है, इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसके बॉल्स बना लेंगे, और इसमें बीच में ये होल करके, वो हमने पनीर और ड्राई फ्रूट्स का जो मिक्सचर है उसको हम इसमें फिल करेंगे, और उसको अच्छे से दबा के, ताकि निकले नहीं, और एक बॉल जैसा बना लेंगे। इस तरह सारे मिक्सचर का आप बॉल्स रेडी कर लीजिए। अब ये ठंडा हो चुका है प्याज टमाटर का, तो इसको मिक्सर में लेके इसको आप ग्राइंड कर लीजिए फाइन पेस्ट एकदम। अब एक पैन में ऑयल गरम कीजिए, ताकि हमें बॉल्स फ्राई करने हैं, एक मीडियम फ्लेम पे बॉल को फ्राई करना, बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए, और शुरू में बहुत नहीं चलाना है, पहले डाल के उसको आप थोड़ी देर रहने दीजिए, थोड़ा ब्राउन हो फिर आप उसको चलाइए, नहीं तो टूटेंगे बॉल्स। अब ये फ्राई हो चुके हैं, ये सारे बॉल्स आप अलग निकाल के रख लीजिए। अब ये सारे बॉल्स रेडी हो गए हैं। अब उसी ऑयल में जिसमें हमने ये फ्राई किया है, उसी में ही अब हम ये पेस्ट डालेंगे, जो प्याज टमाटर का पेस्ट है मसाला, उसको डाल के चलाएंगे। थोड़ा भूनना है ताकि ऑयल अलग हो जाए थोड़ा। उसमें हम पहले धनिया डालेंगे, थोड़ी हल्दी, लाल मिर्च, और उसको चलाइए ताकि एक कलर चेंज हो जाए, ऑयल अलग हो जाएगा। अब इसमें 3-4 क्रश्ड गार्लिक डाल के चलाएंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, उसको अच्छे से भून लीजिए। फिर हम इसमें फ्रेश कर्ड डालेंगे, करीब आधा बोल से भी कम, और जो हमने पनीर बचाया था उसको हम डाल देंगे, और अच्छे से चला के सॉल्ट डाल दीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग, और पानी डाल के उसको चला के अच्छे से एक बॉईल आने दीजिए।
अब वही सर्विंग बोल में जो आपने बॉल्स रेडी किए थे फ्राई करके उसको डाल लीजिए और ऊपर से ग्रेवी डाल दीजिए। पूरी कवर हो जाए सारे बॉल्स और ऊपर से ये क्रीम, आपने जो फ्रेश क्रीम लास्ट थोड़ी सी रखी थी वो डाल दीजिए और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। बस आप इसको सर्व कीजिए। एकदम सॉफ्ट सा है ये, देखिए कितना अच्छा ये लग रहा है। आप इसको बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा और जो भी खाएगा सबको बहुत पसंद आएगा। एकदम मुंह में घुलने वाला मलाई पनीर कोफ्ते।